समाचार दर्शन पर आप सभी को निमानी बहनी वालों का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सैन्य में शांति सेवा प्रदान कर रहे एक विजेन सैनिक की मौत हो गई है। मिलिट्री लैंड फोर्स कमांडर कर्नल मसेसेती कोइतोंगा ने बताया कि सैनिक की मौत कल हुई। कर्नल टिकोइतोंगा ने बताया कि सैनिक के नाम को अभी नहीं बताया जाएगा जब तक उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। टिकोइतोंगा का कहना है कि सैनिक की मौत के कारण का पता अभी भी लुप्त है। फिजी सेना के अनुसार वे पूरे सम्मान के साथ संबंधित सैनिक को अंतिम संस्कार में उनको अलविदा करेंगे। हजारों की संख्या में लोग आज क्वीन एलिजाबेथ बैरक्स नंबुआ में रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस की रिक्रूटमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए आए। लैंड फोर्स कमांडर कर्नल मोसेसेती कोइतोंगा का कहना है कि वे आज के टर्नआउट से काफी खुश हैं। हालांकि भारी संख्या में लोगों के आने से इंटरव्यू अगले 2 और दिनों तक जारी रहेगा। कई लोग सुबह 5 बजे से ही आ गए थे ताकि उन्हें पहला मौका मिल सके। कर्नल टिकोइतोंगा ने बताया कि रिक्रूटमेंट ड्राइव के बाद कुल मिलाकर 900 सैनिकों को सेना में भर्ती किए जाएंगे। कर्नल टिकोइतोंगा का कहना है कि अगले साल एक भी रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं किया जाएगा। ऑजेड फिजी ने लंबासा में अपना पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिस खोला है। डेवलपमेंट ऑफिसर जोवेन क्लार्क ने बताया कि अब उत्तरी विभाग में यानी नॉर्थन डिवीजन के गरीबों को कुछ हद तक राहत मिलेगी जब उनको भी सहायता प्रदान की जाएगी। ऑजेड ने इस साल में फिजी में गरीब लोगों की सहायता के लिए $7.5 million खर्च किए हैं। और खेलकूद में फिजी रग्बी यूनियन को पिछले साल के $600,000 खर्च को इस साल मुनाफे में बदलने के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। नवंबर में जबकि यूरोप टूर को कन्फर्म किया जा चुका है, ऐसे में रग्बी हाउस को स्पॉन्सरशिप की सख्त जरूरत है ताकि खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके। पिछले साल की हार का मुख्य कारण स्पॉन्सरशिप की कमी बताया गया है। और डीजीसीएल जो सेवंस रग्बी की सबसे बड़ी स्पॉन्सर है का कॉन्ट्रैक्ट इसी साल के अंत में समाप्त हो जाएगा। और ये थे आज के समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।